क्या आपको इंस्टाग्राम का दिस एंड दैट वाला चैलेंज याद है, जैसे कि इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग? आई चूज इन्वेस्टिंग। ऐसे ही एक और ऑप्शन है मेरे पास, मनी मार्केट फंड या गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स। कंफ्यूज्ड, कौन सा चूज करें? हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं आस्था एंड आज हम बात करने वाले हैं कि मनी मार्केट फंड या ट्रेजरी बिल्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर है। तो ये जो कंपटीशन है ना दोनों में, आज हम देखने वाले हैं कि इनमें से विनर कौन निकलेगा एंड ये 10 पॉइंट एनालिसिस होने वाला है जिसमें से हम अपने विनर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए मिनिमम इन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। जहां मनी मार्केट फंड में सिर्फ और सिर्फ चाहिए हमें 1,000 रुपीज एंड उनके मल्टीपल्स, वहीं गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में हमें चाहिए मिनिमम 10,000 रुपीज एंड उनके मल्टीपल्स। पहले ये अमाउंट 10,000 नहीं थी, 25,000 थी, लेकिन जब से RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम आई है तब से अमाउंट नीचे हो गई है। RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम पे मैंने एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है एंड ये भी बताया है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स उसमें ट्रेड किए जा सकते हैं। दिस इज द थंबनेल, आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज डू चेक, बिकॉज ये पूरा का पूरा वीडियो काफी उससे लिंक्ड है ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। कमिंग बैक टू द कॉम्पिटिशन, पहला पॉइंट तो मनी मार्केट फंड जीत गया। दूसरा पॉइंट, लॉक इन एंड एग्जिट लोड कितना होगा। देखो, मनी मार्केट फंड में कोई लॉक इन पीरियड है ही नहीं। अगर आप आज पैसे डालते हो आप कल निकाल भी सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में उनका जो टाइम पीरियड है ना वो ऑलरेडी स्टिप्यूलेटेड है। गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स होते ही 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज के लिए हैं। तो यू हैव टू वेट फॉर दैट अमाउंट ऑफ टाइम, दैट पीरियड ऑफ टाइम, तब वो मैच्योर हो सके। लेकिन सिर्फ मनी मार्केट फंड में एक छोटा सा कैच है। वो कैच ये है कि वैसे तो लॉक इन पीरियड नहीं है, बहुत कम फंड्स हैं जो छोटा सा एग्जिट लोड लेते हैं, दैट ऑल्सो इतना मीगर अमाउंट है 0.1% का, एंड वो भी कि अगर आप 3 या 4 दिन से पहले निकाल लो, उतना तो मैनेजेबल होता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं मनी मार्केट फंड ये पॉइंट में भी आगे निकल गया। तीसरा पॉइंट, लिक्विडिटी का। जहां पर गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स जो है लिक्विड है बिकॉज विद इन 1 ईयर, यानी कि 1 साल से पहले आप उस फंड को, अपने पैसों को उसमें से निकाल सकते हो, यानी कि आपको वो पैसे मिल जाएंगे क्योंकि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारी। लेकिन मनी मार्केट फंड के केस में अगर आप अपने पैसे आज डालते हो तो विद इन 1 or 2 डेज वो पैसे आपको वापस मिल भी जाएंगे। तो ये थर्ड पॉइंट लिक्विडिटी का भी मनी मार्केट फंड के फेवर में गया। अब बात आती है ट्रेडेबिलिटी की। मनी मार्केट फंड्स ट्रेडेबल नहीं हो सकते। वैसे तो उनको ट्रेडेबिलिटी की जरूरत भी नहीं है बिकॉज आप उसको अगले दिन बेच सकते हो या मतलब रख भी सकते हो, बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स ये एक न्यू प्रोविजन है जो कि RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंडर आई है, जिसमें आप उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल भी कर सकते हो। अब मान लो आपका लॉक इन पीरियड 91 डेज का है, लेकिन आपको उससे पहले ही पैसों की जरूरत पड़ गई, तो अब हम क्या करें? तो उस केस में आप अंडर दैट ट्रेडेबिलिटी प्रोविजन दैट RBI रिटेल डायरेक्ट प्रोवाइड्स, आप वहां पर जाकर अपने उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर सकते हो। लेकिन उस केस में यस, आपके जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े हैम्पर हो सकते हैं बिकॉज जो हमें रिटर्न मिलता है ना, दैट इज स्टिल मैच्योरिटी। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस की। अब ये जो पॉइंट है ना, ये मनी मार्केट के फेवर में नहीं है, मनी मार्केट फंड के फेवर में, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा 0.5% तक का एट मैक्स, कभी कभी ज़्यादा या कम भी हो सकती है ये रेंज, एक्सपेंस पे करना पड़ता है उस मैनेजर को जो आपके उस फंड को मेंटेन करता है। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स के केस में देयर इज नो एक्सपेंस अमाउंट, ना अकाउंट खोलने का, बट दिस इज ओनली इन द केस अगर आप RBI रिटेल डायरेक्ट के अंडर जा रहे हो। आई एम गिविंग यू गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स का एग्जांपल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम बिकॉज दिस इज न्यू एंड इट हैज अ लॉट ऑफ बेटर प्रोविजंस दैन द अदर अपॉर्चुनिटीज या अदर प्लेटफॉर्म्स जहां पे आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस केस में एक्सपेंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में आपको कोई एक्सपेंस नहीं पे करना, ना अकाउंट खोलने का, ना उसको ट्रेडिंग में भी बाइंग एंड सेलिंग का कोई अमाउंट नहीं है, देयर इज नो कमीशन एट ऑल। तो ये पॉइंट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स के फेवर में गया। अब बात आती है कि आस्था सबसे पहले बताओ, दोनों में रिटर्न्स किसके ज्यादा है, मनी मार्केट फंड या ट्रेजरी बिल्स? तो दोनों ही केसेस में जो इनके रिटर्न्स हैं वो काफी सिमिलर हैं। जहां पे मनी मार्केट फंड रेंज करता है 4-6% से, वहां पे ट्रेजरी बिल्स रेंज करता है 5-6% पे। बट हमें हमेशा याद रखना है कि ये दोनों ही जो रिटर्न्स हैं दे आर सब्जेक्ट
टू चेंजेस इन द मार्केट, यानी कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम या ज्यादा होते हैं तो यहाँ पे हमें वो चेंज देखने को मिल सकता है। मोर ओवर मनी मार्केट फंड के केस में आप कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहते हो, कम या ज्यादा, उस पर भी आपका रिटर्न जो है वो डिपेंड करता है। तो दैट इज वाई मनी मार्केट फंड में जो आपके मैनेजर्स होते हैं वो आपकी मनी को ज्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। लेकिन इस केस में सारा का सारा रिस्क आपका खुद रहता है कि आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है, ज्यादा वाले में, कम वाले में, किसमें ज्यादा रिटर्न है। ट्रेजरी बिल्स में सारी एनालिसिस आपकी खुद की होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिस्क का। रिटर्न का पॉइंट तो काफी न्यूट्रल रहा, रिस्क किसमें ज्यादा है? देखो, मनी मार्केट फंड में हमें तीन रिस्क मिलते हैं, वेयर एज गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में सिर्फ एक रिस्क मिलता है। मनी मार्केट फंड के तीन रिस्क क्या हैं? सबसे पहला इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क यानी कि अगर गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है या कम कर देती है तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट मनी मार्केट फंड्स पर पड़ता है, एंड उस टाइम पीरियड के लिए शायद आपको कम या ज़्यादा रिटर्न्स देखने पड़ सकते हैं, तो वो फ्लक्चुएशन हमेशा ही रहती है। दूसरा, डिफॉल्ट रिस्क। अब डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है कि हो सकता है कि जब मेच्योरिटी का टाइम आए, यानी कि जब आप अपने पैसे रिडीम करना चाहते हो, तब वो फंड हाउस आपको पैसे देने से ही मना कर दे या फंड हाउस बैंकरप्ट हो जाए, कुछ भी केसेस हो सकते हैं। नॉट दैट कि कभी ऐसा हुआ है अभी तक तो ऐसी कोई हिस्ट्री क्रिएट नहीं हुई, बट हमें हमेशा पता होना चाहिए कि यस, इस मनी मार्केट फंड में वो स्कोप है कि ऐसा हो सकता है। तीसरा रिस्क आता है मैनेजर रिस्क। आपको बहुत अच्छे से अपने मनी मार्केट फंड को चूज करना पड़ेगा, बिकॉज आप जो भी मनी मार्केट फंड चूज करते हो उसका मैनेजर हैज़ टू बी वेरी गुड, वेरी एक्सपीरियंस्ड, बिकॉज वो कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट का इंटरेस्ट कितना है, मैच्योरिटी पीरियड कितनी है, वो सब उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें अब रिस्क की ट्रेजरी बिल्स के लिए, देखो ट्रेजरी बिल्स में सिर्फ एक ही रिस्क है, एंड दैट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो उनको फेस करना पड़ता है। मार्केट में जब भी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर या नीचे होंगे तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमें इसके रेट पे भी देखने को मिल सकता है। तो इस केस में क्योंकि ट्रेजरी बिल्स के पास जो रिस्क है वो कम है, तो दैट इज वाई ट्रेजरी बिल्स ज्यादा फेवरेबल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा एट पॉइंट जो कि टैक्सेशन का है। अगर आप मनी मार्केट फंड को लेस देन 3 इयर्स के लिए होल्ड करते हो तो आप लायबल होगे टैक्स पे करने के लिए एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड ये आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा एंड टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मनी मार्केट फंड में 3 इयर्स से ज्यादा के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो उस केस में यू विल बी टैक्सेबल अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड आपको वो जो चार्ज पे करना पड़ेगा दैट विल बी 20%, बट आपको वहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट जरूर मिलेगा। वेयर एज ट्रेजरी बिल्स के केस में, अब जैसे हमने इसमें बात करी कि अगर लेस देन 3 इयर्स है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, तो ट्रेजरी बिल्स का तो मैक्सिमम टाइम पीरियड ही 364 डेज है, तो विच इज लेस देन 1 ईयर, तो उस केस में भी आपका जो टैक्सेशन होगा विल बी अकॉर्डिंग टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, विच विल बी एडेड इन टू योर टैक्सेबल इनकम एंड यू विल बी टैक्स अकॉर्डिंग टू द टैक्स स्लैब रेट। अब बात आती है एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है हमारा मैच्योरिटी एंड रोल ओवर का। जब आप मनी मार्केट फंड में इन्वेस्ट करते हो तब आप ये सोच के इन्वेस्ट करते हो कि मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, बट आपको शॉर्ट टर्म पता नहीं है। वो शॉर्ट टर्म 6 मंथ्स भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, कभी कभी वो शॉर्ट टर्म किसी किसी केस में 2 ईयर्स भी हो सकता है। तो आपको कब एंट्री ले, मतलब आपने एंट्री ले ली, एग्जिट कब लेना है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। जितना टाइम आप वहाँ पे उसमें रखना चाहो रख सकते हो, उसकी मैच्योरिटी इज इन योर हैंड्स। ट्रेजरी बिल्स के केस में वेदर यू लाइक इट और नॉट, जितना भी ट्रेजरी बिल्स का टाइम पीरियड होगा, वेदर 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेच्योर हो जाएगी एंड आपको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। इवन दो आप थोड़े लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते थे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको इन्वेस्टेड रहना है तो आपको उन ट्रेजरी बिल्स में फिर से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एंड देन वो टैक्सेशन वाला पूरा इफेक्ट बढ़ता रहेगा। तो अगर आपको ट्रेजरी बिल्स का पार्ट सिर्फ तब होना चाहिए व्हेन यू आर नियर टू 100% श्योर कि मुझे यस 182 डेज के लिए ही अपनी मनी को पार्क करना है, या मुझे 191 डेज के लिए ही अपनी मनी को पार्क करना है। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है कि आस्था ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं किन इंडिविजुअल्स के लिए। देखो, ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स उन इंडिविजुअल्स के लिए हैं जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, यानी कि वो अपनी एक्स्ट्रा शॉर्ट टर्म मनी को पार्क करना चाहते हैं एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट में जहां पर रिस्क कम हो एंड एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो मॉडरेट रिटर्न्स उन्हें मिल जाएं। तो ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स उन लोगों के लिए हैं। दूसरी बात आती है कि आस्था क्या हमारे पास सेविंग अकाउंट से भी कोई बेटर अपॉर्चुनिटी है? तो अगर आपको सेविंग्स अकाउंट में अपने पैसे नहीं रखने तो ट्रेजरी बिल्स एंड मनी मार्केट फंड्स आर अ बेटर ऑप्शन टू पार्क योर मनी इन। अब आप बोलोगे कि सेविंग्स अकाउंट में हमें श्योरिटी मिलती है, हमें अपने खर्चे पूरे करने हैं। सो सी, सेविंग्स अकाउंट में आपको जो रिटर्न मिलता है, मैं मेजर बैंक्स की अगर
अगर बात करूं रिसेंटली, तो वो आपको कहीं ना कहीं 2-3% का रिटर्न देते हैं. वेयर एज आपको सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ उतने पैसे रखने चाहिए जिससे कि आपका एक्सपेंडिचर यानी कि जो आपने खर्चे करने हैं वो अमाउंट आपकी सेविंग्स अकाउंट में होनी चाहिए. जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बोला दैट इट इज द एक्स्ट्रा मनी दैट यू वॉन्ट टू पार्क, यानी कि आपके पास वो स्पेयर है. तो ऐसे एक्स्ट्रा मनी को सेविंग्स अकाउंट में डालने से बेटर है कि आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालो जो कि सेफ है, मतलब नियर टू सेफ है एंड उनके रिटर्न्स अच्छे हैं. जैसे इनके केस में 4-6% के रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं. अगर आप उनको सेविंग्स अकाउंट से कंपेयर करो तो एक्चुअली वो डबल है. सेविंग्स अकाउंट में 2-3% है, यहाँ पे 4-6% है. एंड इनके जो रिस्क हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं है बिकॉज ये दोनों ही पार्टीज डिफॉल्ट नहीं करती हैं. मतलब मनी मार्केट फंड में अपॉर्चुनिटी है डिफॉल्ट करने की बट वो डिफॉल्ट करते नहीं हैं. अब बात आती है कि आज था अल्टीमेट विनर कौन हुआ आफ्टर दीज 10 पॉइंट्स. सो यू सी मनी मार्केट फंड में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा है. आप ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो, रिटर्न आपको उतना ही मिलता है, ठीक है, एंड उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, ठीक है. तो वो बेनिफिट्स हैं मनी मार्केट फंड के. जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं है. एंड जो RBI रिटेल डायरेक्ट की स्कीम आई है उसके अकॉर्डिंगली रिसेंटली ही आप उसमें ट्रेड कर सकते हो. यानी कि अगर आपका 182 डेज का मेच्योरिटी पीरियड है तो उस पॉइंट पे जाकर आप ट्रेडेबिलिटी में अपने आप को पहले उसमें से निकाल सकते हो, लेकिन उसमें आपके रिटर्न ज़रूर हैम्पर हो सकते हैं. तो मोर और लेस अगर हम इनको वे करें RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंडर ट्रेजरी बिल्स के पास ऑप्शन ज़रूर है कि वो अपने आप को और मॉडिफाई और फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम करंटली बात करें तो मनी मार्केट फंड्स एक बेटर पोजीशन में है. वैसे भी यहाँ पर आपका जो मैनेजर है वो आपके लिए मनी मैनेज कर रहा है, सो कहीं ना कहीं उसको नॉलेज है. ट्रेजरी बिल्स में आपको खुद से काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ेगा. लेकिन अगेन कई इंडिविजुअल्स ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए, मतलब जो बहुत ही स्पेसिफिक हों जिनका गोल, उनके लिए ट्रेजरी बिल्स जरूर काम कर सकते हैं, बट मनी मार्केट फंड ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं. आई होप अब आपको दिस और दैट चैलेंज में मनी मार्केट फंड एज एन आंसर मिल चुका होगा. एंड आई ऑल्सो होप कि आप ज़रूर सोच रहे हो कि आपका जो स्पेयर अमाउंट सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है क्या हम उसे मनी मार्केट फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं. कौन सा मनी मार्केट फंड बेटर है या नहीं उसके लिए यू हैव टू बी पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियोज. यूज द कूपन कोड यज्ञा जहां पे आपको हमारे बहुत सारे पोर्टफोलियोज स्पेशली म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स मिल सकते हैं. ये प्लीज़ वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में से कौन से बेटर हैं एंड सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखने चाहिए या नहीं. लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल. थैंक यू सो मच.